हे हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी पसंद किया होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा उस वाले में। नोड जेएस का जो बिगनर्स का मैंने बनाया है, जो भी लोग अगर उसको मिस किए हैं तो मैं एक बार दूसरी दूसरी बार आप लोगों को वो गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा वीडियो था वो था किट स्क्वेयर्स फॉर बिगनर्स, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसमें मैंने सारी चीज़ कवर की थी। मोस्टली जो मेरा फोकस था इस वीडियो में वो गिट स्क्वेयर्स के लिए था, पर इसमें गिट कमिट, गिट ऐड, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। और इसमें हम लोगों ने ये फोकस किया था कि जो मल्टीपल कमिट्स करते हैं हम लोग, उसको कैसे एक ही कमिट में हम लोग स्क्वेयर्स कर सकें। कैसे हम उसको अमेंड कर सकें, उसके जो कमेंट्स हमने प्रीवियसली दिए थे उसके बारे में मैंने बताया था। सेकेंड वीडियो जो था मेरा वो नोड जेएस पे था, और वो है नोड जेएस बेसिक बिगनर्स गाइड। इसमें मैंने तीन चार चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी। सबसे पहले तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको जो उसका एग्जिस्टिंग पैकेज होता है एनपीएम का, उस पर मैंने फाइल सिस्टम के थ्रू आपको रीड करके बताया था मैंने कैसे फाइल सिस्टम को रीड करते हैं नोड जेएस में। उसके बाद HTTPS के थ्रू मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था और उसको एक डेडिकेटेड पोर्ट पे मैंने रन किया था। उसके बाद एक एक्सटर्नल पैकेज एक्सप्रेस जेएस है जो कि काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है अभी, उसको मैंने रन किया था। और मैंने बताया था कि कैसे रॉड्स वगैरह काम करते हैं, कैसे एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग एक API क्रिएट कर सकें और उसको फ्रंट एंड पर रेंडर करा सकें। नाउ जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी नोड जेएस होगा, और इस वाले में हम लोग आज जो कवर करेंगे वो है मॉड्यूल्स एंड NPM इन नोड जेएस। सो मॉड्यूल्स क्या होता है, इसका मैंने थोड़ा सा वो किया था, गो थ्रू कराया था, बट एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। सो मॉड्यूल इन नोड जेएस आर रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनकैप्सुलेट रिलेटेड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। व्हाट इज़ NPM? सो NPM इज़ द ऑफिशियल पैकेज मैनेजर नोड जेएस। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। सो यहाँ पे क्या है कि इसकी एक कम्युनिटी, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, उस वाले में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो अपना भी पैकेज बना के इसमें वो कर सकते हैं, डाल सकते हो आप, और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस डॉट जेएस जो एक्सटर्नल पैकेज है वो NPM पैकेजेस में हम लोगों ने उसको यूज किया है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और उस मॉड्यूल को हम लोग कैसे अपने सर्वर डॉट जेएस पे या कहीं भी हम लोग उसको रिक्वायर करके उसके जो क्लास है या मेथड्स जो हमने यूज किए हैं वो कैसे हम लोग रेंडर कर सकें उसको। सो लेट्स गो टू द अभी तो मेरा क्या है कि मैंने एक फीचर मॉड्यूल करके बनाया था, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अभी मेरे पास कोई भी वो नहीं है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको हटा दिया है। सो गाइज, एक मैंने फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी ट्यूटोरियल नाम का। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम लोग एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, उस मॉड्यूल को हम लोग सर्वर डॉट जे एस पे रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले काम होगा मेरा एक फोल्डर क्रिएट करने का। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ MKDir के थ्रू, मॉड्यूल प्रो करके। ठीक है, ये मेरा एक फोल्डर है, मैं चला जाता हूँ इसके अंदर। नाउ व्हाट आई विल डू, वी हैव टू इंसलाइज द NPM ओवर है। NPM चूँकि मैंने बताया था आप लोगों को पहली बार, इनिट करना पड़ता है। ये दोबारा से आपसे पैकेज वगैरह का पूछेगा, पैकेज नेम सेम वैसे ही रख देते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हो। एंड पॉइंट जो एंट्री होगा वो क्या होगा, इंडेक्स डॉट जे एस है या जो भी है। सो यहाँ पे हम लोग सर्वर डॉट जे एस जो भी रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट कमांड गेट रिपोजिटरी। सो ये मेरा पैकेज डॉट जेसन जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर अगर मैं एलएस करता हूँ तो आप पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इस फोल्डर को यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। मॉड्यूल प्रो है मेरा।
ये दोबारा आपसे पूछेगा डू यू ट्रस्ट ऑथर ऑफ दिस फाइल फोल्डर, ये हम लोग यस कर लेते हैं उसको। मेरा जो पैकेज डॉट जेसन था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अपन एक वो कर लेते हैं, क्रिएट मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। वैसे इसमें तो मैं आपको बता दूं तो इसमें सर्वर डॉट जेसन जेसन वगैरह सर्वर डॉट जेस एक क्रिएट करनी पड़ेगी जिस पे हम लोग उस मॉड्यूल को और रेंडर करेंगे। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस के थ्रू ही मैं उस मॉड्यूल को यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो इस एक्सप्रेस यूज करने के लिए आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइनस माइनस सेव। ठीक है, सो एक्सप्रेस जेस जो है इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। यू कैन सी हियर जो डिपेंडेंसीज थी एक्सप्रेस की वो यहाँ पे हो गई है स्टार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे सर्वर डॉट जे एस करके, सर्वर डॉट जे एस। और एक अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जो कि नाम होगा उसका माई मॉड्यूल डॉट जे एस कर लेते हैं, या कुछ भी कर सकते हो आप। वैसे मैं एक डेमो दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक माई मॉड्यूल डॉट जे एस करके मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, माई मॉड्यूल इसके अंदर अपन एक कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं। कंस्ट्रक्टर ये जो क्लास यूज कर रहे हैं इसमें एज ए पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे, जो नेम प्रोवाइड किया जाएगा उधर से जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा वहीं से एज ए पैरामीटर हम लोग पास करेंगे और हम इसको वो करेंगे यूज करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, सो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। एक मेथड बना लेते हैं से हेलो करके। ओके, इसमें हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, बैक टिक यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये काफ़ी यूजफुल है बैक टिक। मैंने बताया था आपको कि इसमें हम डायरेक्टली किसी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी कंकेटनेशंस, यू कैन यूज़ दैट। ओके, टर्मिनेटर से क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो मेरा क्लास रेडी है। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि एज ए पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब एक मेथड भी ले लिया है से हेलो करके। इस मॉड्यूल को हमें एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू माई मॉड्यूल। ये आपको करना ज़रूरी रहेगा क्योंकि जहाँ पे हम लोग इस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे वहाँ पे अगर इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ये क्लास कॉल ही नहीं होगा वहाँ पे। ओके, सो इसके लिए अभी हमें ये एक्सपोर्ट करना पड़ा। अब चलते हैं हम लोग सर्वर डॉट जे एस वाले पे। सो यहाँ पे सर्वर डॉट जे एस पे हमें, चूँकि हम लोग एक्सप्रेस को इंस्टॉल किए तो एक्सप्रेस को थ्रू ही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे यहाँ पे। ओके, सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट कराना पड़ेगा। कॉन्स्ट माई मॉड्यूल, माई मॉड्यूल वही है जो हमने वो मॉडल बनाया था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हैं उसका। ओके, सो यहाँ पे माई मॉड्यूल आ गया। ओके, आपको जेएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोड जेएस टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप करेंगे इज इक्वल टू एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, ऐप में ऑब्जेक्ट रहेगा इसी के थ्रू हम लोग काम करेंगे। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि कॉन्स्ट करते हैं यहाँ पे एक। ओके, और जो मॉड्यूल बनाया है उसका भी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, सो माई इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू माई मॉड्यूल,
यहाँ पे आपको नेम पास करनी पड़ेगी एज ए पैरामीटर। मैं पवन कुमार कर देता हूँ। ओके, अब अपन क्या करते हैं, एक रोड बनाते हैं ऐप डॉट गेट करके। ये जो बना रहा हूँ मैं, ये सीधे होम पेज को वो करेगा, ठीक है। डायरेक्ट जब हम लोग वो करेंगे, इस एप्लीकेशन को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे, तो डायरेक्टली यही कॉल होगा क्योंकि इसमें कोई एंड पॉइंट हमने नहीं डाला है यहाँ पे। ओके, सो ठीक है, कॉन्स्ट ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग इज इक्वल टू माई इंस्टेंस डॉट से हेलो, जो उसका मेथड है वो मैंने कॉल कर लिया। ओके, इस से हेलो में ही रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। ओके, वहाँ पे ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे हेलो, और जो वेरिएबल जो यहाँ से पास होगा उसको ये वो करेगा। ओके, कॉल करेगा कैनकेटेनेट करके, और रिस्पॉन्ड में हम लोग सेंड कर देंगे ब्राउज़र को क्लाइंट साइड पे ग्रीटिंग करके। ओके, तो ये डायरेक्टली हो गया होम पेज पे। ओके, अब अपने को एक पोर्ट लेनी पड़ेगी, पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट, वही जो अगर पोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो ये यहाँ पे 3000 पोर्ट पे वो मेरा चलेगा एप्लीकेशन जो सर्वर डेट डॉट जेस रन होगा। ओके, इस पोर्ट को लिसन करवाना पड़ेगा अपने को, ऐप डॉट लिसन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे पोर्ट को, और ये हम फैट एरो के थ्रू इसको रन कर लेंगे। ओके, ऐप डॉट लिसन किस पे होगा, पोर्ट पे। पोर्ट कौन सा है, 3000 पोर्ट है ये वाला पोर्ट जो मैंने ये लिखा है। ओके, ओके, सो कैसे रन हो रहा है इसको हम लोग कंसोल लॉग कर लेंगे यहाँ पे, सर्वर साइड पे हमें दिखेगा जब रन करेगा तो। ओके, सो बैकटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ये कर दिया हमने पोर्ट। ओके, सो एक हमने माई मॉड्यूल बनाया जिसमें हमने क्लास रखा था, कंस्ट्रक्टर किया था, और से हेलो करके एक मेथड बनाया था, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, और एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें एक पैरामीटर हमने पास कर दिया। ओके, नाउ व्हाट आई नीड, आई वांट टू कॉल दैट से हेलो मेथड फ्रॉम दैट यू नो मॉड्यूल, राइट। सो ये मेरा रेडी है एप्लीकेशन, और मैं इसको अभी रन करूँगा। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्लियर करते हैं इसको। जेस, जय श्री राम बोल देते हैं। ओके, यस, सो ये रन हो चुका है 3000 पोर्ट पे। देखते हैं व्हाट हैपेंड। ओके, थ्री थाउजेंड पोर्ट पे चलते हैं लोकल होस्ट पे। सो यू कैन सी हियर, हेलो पवन कुमार, है ना। सो यही पवन कुमार हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास किया था मॉड्यूल में, और यहाँ पे हमने एक मेथड लिखा था जहाँ पे रिटर्न किया था हेलो पवन कुमार। ओके, और जैसे ही हमने यहाँ पे सर्वर डॉट जे एस में इसको गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे पास किया है, वो हम लोग यहाँ पे ये रेंडर हो रहा है, और वी कैन सी द रिजल्ट हेयर, हेलो पवन कुमार, दिस इज़ द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स सेंड जो यूज हो रहा है वो एक्सप्रेस का है ये मेथड सेंड वाला, और गेट मेथड के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं यूज इसको। सो ये है, सो यस गाइस, सो इस वाले ट्यूटोरियल में हमने दो तीन चीज़ें सीखी है। पहले तो मॉड्यूल कैसे बनता है, सो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है, मॉड्यूल के अंदर हमने क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर किया, एक मेथड बनाया, और उसको हमने एक्सपोर्ट्स किया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव इम्पोर्टेड दैट मॉड्यूल हियर, एंड
वो मॉड्यूल का एक हमने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे उसको एज ए पैरामीटर उस क्लास में पास कर दिया है, तो वो जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है वहाँ पे कॉल हो जाएगा वहाँ पे। ओके एंड जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बना है, हमने उसके से हेलो का जो मेथड हमने बनाया था वहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है वो हम लोग कॉल कर चुके हैं यहाँ पे, और ग्रेडिंग के थ्रू हमने इसको वो करा दिया है, पॉप आउट करा दिया है। ओके सो दिस इज़ द रिजल्ट गाइस। सो जो भी हमने डिस्कस किया अभी मॉड्यूल एंड npm इन नोड js, ये दोनों चीज़ हम लोग इस वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इसको देखते हुए। मॉड्यूल्स क्या है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखा और समझा है। इसमें अगर डेटाबेस के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं या जो भी करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं इंटरनली, बट ये एक स्टैटिक हमने क्लास बनाया है जिसमें हम लोग रिटर्न करा रहे हैं नेम को, और नेम कहाँ से पास हो रहा है, नेम पास हो रहा है सर्वर डॉट जे एस से, यहाँ से। ओके सो या यू कैन सी हियर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 जो कि हमने यहाँ लिसन किया है और वो रन भी कर रहा है सही से, राइट। सो गाइज जैसा कि पता है आपको कि मैं कोई भी वीडियोस बना रहा हूँ तो उसका एक मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ, और मैं उस पर कोड और उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं उस पर लिख रहा हूँ। तो जो मॉड्यूल और npm जो मैंने कवर किया उसके लिए मैं ऑलरेडी एक लिख चुका था, और आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, इस पर थ्योरेटिकली जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह आप पढ़ सकते हो ताकि ये हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू वगैरह में एंड फॉर योर मेमरी एज वेल। सिंपल आप यहाँ पे एक मैथ और चेज करके मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, फैट एरो के थ्रू उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। उसको ऐप डॉट जे एस में सिंपली आप यूज करो बिना सर्वर डॉट जे एस पोर्ट पे चलाए हुए, ये भी रन हो सकता है डायरेक्टली npm स्पेस ऐप डॉट जे एस करके करोगे तो। ओके सो जो मैंने फॉलो किया था प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, कैसे मैंने npm एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, और आप इसको उसी तरीके से अपने घर पे अपने प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हो। यस सो गाइज आई होप कि काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, और आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे नोड मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं हम लोग। ओके गाइज ये मेरा चैनल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसको, और अपने कुछ अच्छे कमेंट्स हमें दें ताकि मैं आगे के वीडियो उस पर कुछ बना पाऊँ। कोई टॉपिक दो हमें, मेरे को बताओ आप लोग, ताकि मैं उस पर स्टडी करूँ, R&D करूँ, और उस पर कुछ आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। जैसा कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक चैनल है पवन कुमार के नाम का, यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंटिफिक ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे इस वाली वीडियोज़ में। आप यहाँ पे देख पाओगे कि कैसे मैंने ज़्यादातर मोस्टली जो टॉपिक्स है उस पर मैंने क्रिएट किए हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, यू कैन ऑल्सो वॉच इट हियर। हाउ टू अर्न मनी इन माइनिंग, ये भी आप लोग माइनिंग कैसे करते हैं ये देख सकते हो। अभी जो लड़ाई चल रही है इज़राइल और फलस्तीन में, क्या कन्फ्लिक्ट्स है, क्या इशूज है, क्या हिस्ट्री है, वो भी आप यहाँ पर यू कैन वॉच इट हियर। ओके सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू गाइज, और आप इसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इस पर भी एक्टिव रहूँ और कुछ वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करता रहूँ। ओके या सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोड जेस के टॉपिक में, और कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।